हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैक्टिव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में। मैं इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, उसके टाइप्स, बेसिक इंट्रो और मैंने सारी चीज क्लियर की है, कॉन्सेप्ट कोशिश की है। यदि डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर फिर वीडियो बना दूंगा जो डाउट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, इसमें भी यदि आपको डाउट रहे तो जरूर कमेंट में बताइए। तो चलिए जानते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है फाइल क्या होती है। फाइल उसे कहते हैं जो कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन होता है? आपके इंफॉर्मेशन का होता है। इन्फॉर्मेशन आपके किस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, आपकी सीक्रेट फाइल्स हो सकती है, आपके नोट्स हो सकते हैं, या किसी प्रकार से पीडीएफ फाइल हो सकती है, या एनी चीज ऑब्जेक्ट फाइल हो सकती है, या आपका प्रोग्राम भी इन्फॉर्मेशन में हो सकता है फाइल के रूप में, तो ये होता है फाइल कहते हैं। अब एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ पहला पॉइंट, आप फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। हम लोग जो डिफाइन करें, क्रिएटर मतलब एक क्रिएटर जो बनाता है उसके द्वारा डिफाइंड होता है फाइल, और उसके किस चीज का कलेक्शन होता है? इन्फॉर्मेशन का। यही बात मैंने आप लोगों से कही थी। एग्जाम्पल पे रूप में लिखा है ए डॉट टी एस टी, ए नाम की मैंने फाइल बनाई और डॉट टी एस टी उसका फाइल नेम है, फाइल टाइप है, और ए अपना फाइल नेम है, डॉट टी एस टी फाइल टाइप। ये मैंने देखी, ये फाइल टाइप है और ये है अपना फाइल नेम, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, हम लोग पहले सेकेंड पॉइंट के रहने पर, अब फाइल जब बनेगी किस प्रकार से हो सकती है, उसमें क्या क्या हो सकता है। एक कैरेक्टर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट तो भी न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और बिट्स रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, और आपके लाइन्स तो लाइन्स में ही बने। तो इसमें लिखा हुआ है जैसा कि सिंपल के रूप में हम जान सकते हैं, तो फाइल होता है सिक्वेंस किस चीज का, आपके कैरेक्टर अल्फाबेट कैरेक्टर अल्फाबेट न्यूमेरिक और आपके स्पेशल सिंबल बिट्स बाइट्स और लाइन्स और रिकॉर्ड्स का समूह होता है, एक सिक्वेंस होता है। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है, इन जनरल फाइल इज अ सिक्वेंस ऑफ बिट्स बाइट्स लाइन्स और रिकॉर्ड्स। इन सभी चीजों का कलेक्शन होकर एक यह सिक्वेंस है, तो इनको क्या बोला जाता है? एक फाइल बोला जाता है। अब हम लोग जानते हैं फाइल टाइप क्या होते हैं। फाइल टाइप में जैसा कि आप जानते हो टीएक्सटी फाइल, जानते हो टेक्स्ट फाइल जिसमें हम लोग सिंपल लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल सोर्स फाइल जब हम लोग रूटीन करते हैं, बहुत से प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सोर्स फाइल जरूरी होती है, ऑब्जेक्ट फाइल, इसी प्रकार से मैं सारे फाइल बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोगों की फाइल होगी टाइप में टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल किसे कहते हैं? सबसे पहले टेक्स्ट फाइल के रूप में हम जानेंगे, टेक्स्ट फाइल उसे कहते हैं जो करेक्टर का सिक्वेंस होता है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में एक लाइन में सभी उसका क्रमबद्ध होगा, मतलब वो अपने सिक्वेंस में होता है, उसे कहते हैं क्या? टेक्स्ट फाइल। सिक्वेंस ऑफ करेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइन, एक कलेक्शन होगा करेक्टर का सिक्वेंस के रूप में इनटू लाइन्स में, तो उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट फाइल। सोर्स फाइल किसे कहते हैं? सोर्स फाइल सिक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स और फंक्शन, जैसे एक फाइल है हम लोगों की, उसके फंक्शन होंगे F1, F2, हम लोग कॉलिंग करते हैं उसको खोल सकेंगे, उसे कहते हैं सोर्स फाइल। जैसे कि आप प्रोग्राम बनाते होंगे, सिंपल की प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन और डिक्लेरेशन करते हैं, हम उसको डिक्लेयर जहाँ करते हैं और डेफिनेशन, दो चीज़ें होती है, तो हम कॉल कहीं भी करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं फिर उस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर लेते हैं, उसी प्रकार से सोर्स फाइल होती है, हम उस फाइल को डिक्लेयर कर देते हैं, इसके बाद उसको कॉल कर सकते हैं, उसे कहते हैं सोर्स फाइल। यहाँ पर लिखा हुआ है F1 और F2, F1 F2 को कॉल कर रहा है और F2 A को कॉल कर रहा है, इस प्रकार से क्रम बन जाता है। ऑब्जेक्ट फाइल, अब ऑब्जेक्ट फाइल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल होता है कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑर्गेनाइज इनटू लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक्स, आपके ब्लॉक्स के रूप में, जैसे टेबल्स के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। किस चीज का कलेक्शन होता है? वर्ड्स का, मतलब करेक्टर इसके बाद वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? ABC ये वर्ड्स कह सकते हैं या करेक्टर भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज इंटू लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक्स, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट फाइल। अब फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हूँ, फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्या हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइल एट्रीब्यूट के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपको कोई भी अभी डाउट है जरूर मुझे कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ।